जय जिनेंद्र। 24 से 73 भगवान महावीर के इस मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मिला। भगवान महावीर जी ने संपूर्ण देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर उन्होंने एक विचार दुनिया को दिया और ये विचार आज पूरी दुनिया के अंदर अहिंसा का विचार उस समय जब देश में हिंसा हुआ करती थी, पशु बलि चढ़ाने की परंपराएं होती थी, देशों में आपस में युद्ध की स्थितियां हुआ करती थी, परमाणु शस्त्रों का उपयोग बढ़ रहा था, उस समय भगवान महावीर के विचार सत्य और अहिंसा का विचार परमो धर्म का विचार जो कुछ भी समाज का है, समाज को समर्पण, इसलिए केवल भगवान महावीर को जैन धर्म ही नहीं, दुनिया के कई देशों के अंदर लोग जैन धर्म, जैन विचार को मानते हैं, भगवान महावीर को मानते हैं। और जो जीवन के अंदर जैन धर्म की पालन कर ले, वह जीवन के अंदर हर चुनौतियों कठिनाइयों का समाधान जैन धर्म के विचारों से सब मिलता है। सात्विक जीवन जीना, धर्म आध्यात्मिक जीवन जीना, सत्य के मार्ग पर चलना, अपरिग्रह जो कुछ भी है समाज का, ये पांच विचार भगवान महावीर जी ने दिए थे। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ये सारे विचार आज भी जीवन के अंदर हम सबको अपनाने की आवश्यकता है तो हमारा जीवन सरल सात्विक अपनाप होता है। इसलिए आप चले जाएं दुनिया के अंदर, सात्विक भोजन किसका? जैन का। इसलिए दुनिया में कहीं बाहर जाओगे तो कौन सा भोजन करना है? जैन भोजन करना है, तो मतलब सात्विक, जहां पर एक फूल के अंदर एक कीड़ा भी होता है ना, उस कीड़े की हत्या का भी पाप इतना, जब जैन धर्म के विचारों को जितना अध्ययन आदमी करता है उतना ही व्यक्ति सात्विक विचार का, जीवन पे सत्य के मार्ग पर चलना, अपने हाथों से पुण्य का काम करना, जो छोटे से जीव की हत्या को भी पाप मानते हो, उस धर्म और दर्शन को आज दुनिया में अपनाने की आवश्यकता है। आज यहां पर जितने परिवार के लोग हैं, कोई व्यापार करता है, उद्योग करता है, अपना कर्म करता है,
सात्विक तरीके से कर्म करता है, कई लोगों को नौकरी देने का काम करते हैं, और जब कभी संकट आपदा आ जाती है तो समाज के सहयोग के लिए सब कुछ समाज को समर्पण कर देते हैं। ये संस्कार संस्कृति जैन समाज की है, और जैन समाज की संस्कृति हम सबको अपनाने की आवश्यकता है। मुझे जानकारी मिली कि बालिका छात्रावास के लिए शुल्क, अब ये भी पुण्य का काम है। अच्छी शिक्षा, सात्विक शिक्षा, जैन छात्रावास में आप चले जाओ, कृपा करिए। सब बच्चों को नमो का मतलब होता है, मंदिर में जाते हैं, उनके विचार ही वैसे बन जाते हैं। पर यहां बालिका छात्रावास कौन करेगा? कोई परिवार से बाहर तो कोई रख नहीं पाएगा। जमीन आवंटन के लिए जिला कलेक्टर को लगाओ, मैं पूरा सहयोग करूंगा। अच्छा विचार कि जो दूर दराज गांव से आती है, महिलाओं बच्चियों को अच्छी संस्कृति संस्कार मिले, सात्विक संस्कार मिले, इससे अच्छा विचार क्या हो सकता है? आप परिग्रह है ना, जो कुछ भी है समाज का है। ये तो अपने धर्म है, और मैं सभी जैन समाज के लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। परम पूज्य मुनि 108 सुदासागर जी महाराज की कृपा से सुधा सागर जी महाराज जाते हैं, अपने आप ही प्रभु की कृपा है कि मंदिर का निर्माण करना, धर्मशाला का निर्माण करना, छात्रावास का निर्माण करना, औषधालय का निर्माण करना, विद्यालय का निर्माण करना। और जिन साधु हैं, विराम विश्राम तो है नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान से दूसरे स्थान से, मेरा को तो बहुत आशीर्वाद है सुधा सागर जी महाराज अटूट आस्था है प्रति मेरी। मैं जब भी मौका मिलता हूं उनका दर्शन करने का प्रयास करता हूं। अभी शायद ललितपुर के अंदर है, टीकमगढ़ गए, ऐसे संतों का आशीर्वाद हमें मिलता रहे, प्रभु की कृपा हम पर बनी रहे। आप सबको जय जिंदगी।